हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू साइकिल प्योर अगरबत्ती। ऐसी क्या गंभीर समस्या आ गई है जो आप स्वयं जानना चाहते हैं? यदि आप आर्य सुमागत की बातों से संतुष्ट नहीं है तो किसी दूसरे गुप्तचर को भेज दीजिए। नहीं सीते, स्वर्गवासी महाराज ने हमें राजा के कर्तव्यों को समझाते हुए कहा था कि राजा को केवल अपने गुप्तचर की बात पर ही आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी कभी स्वयं भी भेष बदलकर राज्य की परिस्थिति और प्रजा का सुख दुख अपनी आंखों से देखते रहना चाहिए। महाराज भी कभी कभी स्वयं ऐसा ही किया करते थे। देखो, हमें लौटने में 2-3 दिन लग सकते हैं, हम अयोध्या में नहीं हैं, ये बात गुप्त रखनी होगी। अरे तुम नगर वालों की नाड़ियों में तो पुरुषत्व का लहू ही नहीं रहा है। सभ्यता का नाम लेकर तुम लोग क्या नपुंसकों जैसी बातें कर रहे हो। अरे भाई, एक स्त्री सारी रात पर पुरुष के घर रही है, फिर उसे क्या अधिकार है अपने पति के घर में आने का। परंतु किसी व्यवस्था के कारण वहां रहना पड़ा हो तो? काहे की व्यवस्था भैया, कल को तो तुम यह भी कहोगे कि व्यवस्था बस हमने किसी का वध कर दिया है। परंतु उसका दोष प्रमाणित तो नहीं हुआ। जब तक दोष का प्रमाण न हो, दंड देना न्याय नहीं है। तुम नगर वालों की यही दुर्बलता है, हर बात में न्याय और अन्याय की दुहाई दोगे, हर दोष का प्रमाण मांगोगे। अरे भैया, भगवान ने प्राणी को बुद्धि काहे को दी है? उसका प्रयोग करने के लिए ही ना। तो साधारण बुद्धि का प्रश्न ये है कि जिसके साथ रात बिताकर आई हो, जाओ उसी के पास। यदि वो निर्दोष हो तो भी? लेकिन वो निर्दोष है, उसका साक्षी कौन है? लेकिन वो दोषी है, इसकी साक्षी किसने दी? उसके लिए साक्षी की आवश्यकता ही कहाँ है? ये तो अंधे को भी दिखाई देता है। भैया, कई बार जो दिखता है वो सत्य नहीं होता। काका, इस बात का निर्णय इतनी आसानी से नहीं होना चाहिए। इस पर किसी का सारा जीवन निर्भर है। यदि ये मामला राजा के पास जाएगा तो बिना सोचे समझे निर्णय नहीं करेंगे, उनको दोष का प्रमाण चाहिए। अरे छोटे भैया, ये तो उसका भाग्य अच्छा था कि उस दिन उसकी पत्नी की भेंट राजा से नहीं हुई, वरना राजा ने इस मामले में न्याय की बात सोचनी ही नहीं थी। उसने तो बिना पूछे अपने सैनिक उसकी पत्नी के साथ भेज देने थे कि रखो इसे अपने पास, नहीं तो सूली पर चढ़ा दूंगा। लेकिन एक बात तुम मुझे बताओ, राजा के सैनिक उसे उसके पति के घर तक तो पहुंचा सकते थे, लेकिन क्या वो पति और पत्नी के संबंध भी स्थापित करवा सकते थे?
आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या राजा इतना क्रूर और अन्यायी है? नहीं, क्रूर भी नहीं, अन्यायी भी नहीं। वास्तव में हमारा राजा बहुत वीर और बहुत महान है। पिता के वचन का पालन करने के लिए वो 14 वर्ष वनों में भटकता रहा। केवल वानरों और भालुओं की सहायता से उसने रावण जैसे महान पराक्रमी और उसकी पूरी सेना को यमलोक पहुंचा दिया। ऐसा वीर और महान महापुरुष इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं हो सकता। फिर उसके लिए ऐसा क्यों कहते हो कि वो घर में सैनिक भेज देता? भैया, ये उसकी निजी निर्बलता है। कौन सी निर्बलता? उस निजी निर्बलता का नाम है सीता। सीता? हाँ, सीता। वो रावण जैसे महापापी के घर में 10 महीने रहकर आई और हमारे राजा राम को उस स्त्री से इतना मोह है कि ना उसे केवल घर में रखा बल्कि अपने साथ सिंहासन पर भी बिठा लिया। अरे क्या आवश्यकता थी इसकी? संसार में एक से एक बढ़कर सुंदर राजकुमारियां हैं, किसी से भी विवाह कर लेता। परंतु भैया, जब कोई पुरुष किसी स्त्री के मोहजाल में फंसता है ना, तो उसकी यही दशा होती है। वो अपनी आंखों से देखकर भी विष पी लेता है। अरे भाई, जब तक यह बात राजा के निजी जीवन तक रहती तो भी चल जाता, परंतु जिस दिन से सीता रानी बनी है उस दिन से समाज में ऐसी स्त्रियों को और प्रोत्साहन मिल गया है। अब तो किसी भी स्त्री को सदाचार की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। हाँ भैया, यथा राजा तथा प्रजा। अब आगे आगे देखते हैं हमारे समाज में क्या क्या होता है। महाराज, इसीलिए मैं कह रहा था कि उन लोगों की बातें मत सुनिए। वो ये नहीं जानते कि वो क्या कह रहे हैं। हमारे बारे में ऐसी बातें केवल इसी गांव में होती हैं या राज्य के दूसरे नगरों में भी? मूर्ख तो सभी स्थानों पर होते हैं। आर्य सुमागत, केवल इस प्रश्न का उत्तर दो, क्या अयोध्या आदि नगरों में भी इसी प्रकार की बातें होती हैं? महाराज, सारी प्रजा आपकी वीरता और आपके आदर्शों की बड़ी प्रशंसा करती है। देवी सीता के बारे में क्या उनके बारे में भी प्रजा में इसी प्रकार की बातें होती हैं? उत्तर दो। जी हाँ महाराज। हम नगर में भी जाकर सुनना चाहते हैं। महारानी जी का आदेश है कि महाराज और महारानी किसी विशेष अनुष्ठान में व्यस्त हैं, इसलिए 2 दिन तक किसी को दर्शन नहीं होंगे। हमारे राजा ने जो भी किया अच्छा नहीं किया। क्या किया राजा राम ने? अरे कुछ तो सोचा होता। सबसे बड़ा भय ये है कि अब धीरे धीरे समाज में दुराचार की प्रथा फैल जाएगी और राजा के गृहस्थ जीवन का प्रभाव तो सारे समाज पर पड़ेगा ही। अरे भैया, आज तो एक गांव में हुआ है, कल नगर में भी यही दुराचार फैल जाएगा और सब लोग
रानी का उदाहरण देंगे। अरे भैया, राम राज्य में यही कलंक तो रह जाएगा। इतना महान व्यक्ति स्त्री के मोह में कैसे विवश हो जाता है कि उसे न्याय और अन्याय का भी ध्यान नहीं रहता। उस परिस्थिति में राजा क्या करता? उस स्त्री का त्याग। बिना किसी दोष के? अरे भैया, उसे निर्दोष भी तो नहीं कहा जा सकता। एक पर पुरुष के घर में रहने का कलंक भी तो लग ही चुका है। क्योंकि वह स्त्री है, इसीलिए उसे पुरुष का हर अन्याय सहन करना पड़ेगा। केवल पुरुष की साक्षी में ही वो सच्ची या झूठी प्रमाणित होगी। केवल स्त्री होने का इतना बड़ा दंड, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। क्या आप लोग चाहते हैं इस अन्याय में आपका राजा आप सबका साथ दे? भाई, ये तो बड़ा अन्याय है। लंका में उसकी अग्नि परीक्षा ली गई थी, फिर भी उसका कलंक नहीं धुला। अरे अग्नि परीक्षा किसने देखी थी? वानरों ने, भालुओं ने? अयोध्या का कोई था वहां जो उसकी साक्षी दे सके? इस रीत से तो प्रत्येक गांव वाले यही कहेंगे, हमारे सामने अग्नि परीक्षा नहीं हुई। इसका अर्थ ये हुआ कि वो बिचारी हर गांव हर नगर में बार बार अग्नि में जलाई जाए, तभी वो अग्नि परीक्षा में सफल होगी। भाई, जिसे प्रत्येक गांव और प्रत्येक नगर की रानी बनने की इच्छा हो, उसे तो यही करना पड़ेगा। जिस प्रजा के लिए राजा अपना सब कुछ बलिदान कर देता है, क्या वो प्रजा इतनी कृतघ्न और पाषाण हृदय हो सकती है? क्या राजा का ही प्रजा के लिए उत्तरदायित्व है? प्रजा के लिए राजा के प्रति श्रद्धा या आदर का कोई विधान नहीं? किसी ने पहचाना तो नहीं? नहीं। उसी गांव में इतना समय लग गया कि कहीं और भी गए थे? नगर में भी घूमा। बहुत सारी बातें सुनी होगी। कई प्रकार के। परंतु जो बात आप सुनने गए थे वो सुनी कि नहीं? आपका विचार था कि गुप्तचर आपसे कुछ छुपा रहा था। आपकी शंका सत्य थी या झूठ? वो सत्य ही कहता था। जनता बहुत सी अनर्गल बातें करती रहती है। जनता की ही बातें सुनते रहे या फिर उस स्त्री के संबंध में भी कोई निर्णय हुआ? वो कहीं मिलती तो उसका न्याय करते, कुछ निर्णय लेते। जब वो स्त्री ही कहीं नहीं तो उसका निर्णय क्या होता? वो तो हमारे राज्य की सीमा से बाहर चली गई है। ये पता चला कि दोष किसका है? नहीं, परंतु गांव की जनता किसे दोषी मानती है? कहते हैं कि जनता जनार्दन के स्वर में भगवान का स्वर होता है। सब जो कहे उसे सच मान लेना चाहिए। नहीं नहीं, यह ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है महाराज? यही कि जो जनता कहे उसे सच मान लेना चाहिए। नहीं सीते, नहीं, तुम इस जनता को नहीं जानते। जनता से बड़ा स्वार्थी और निर्दयी और कोई नहीं होता। अपने स्वार्थ के लिए वो राजा से उसके रक्त की अंतिम बूंद भी मांग लेती है।
परंतु यदि राजा के हित के लिए उसे कुछ त्यागना पड़े तो वो क्षण भर में राजा से मुंह फेर लेती है। लोगों की बातें यदि राजा को सुननी पड़े तो वो न्याय ही नहीं कर सकता। ऐसा राजा तो पागल हो जाएगा। ये आप कह रहे हैं महाराज? रघुकुल का एक राजा बोल रहा है जिस वंश के राजाओं ने प्रजा हित और प्रजा रंजन के कीर्तिमान को स्थापित करने के लिए अपने प्राणों की भी कभी चिंता नहीं की, जिनके लिए कुल की कीर्ति इसलिए महत्वपूर्ण थी कि उनकी प्रजा उनके गौरव पर मान कर सके। उस वंश का राजा अपनी प्रजा के लिए ऐसा वचन नहीं कह सकता। लगता है आपको गहरा आघात पहुंचा है। यदि मुझे इस योग्य समझे तो बताइए क्या हुआ है। नहीं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। हमने तो आज की जनता के प्रति सहज साधारण विचार प्रकट किए हैं। हो सकता है हमारे पूर्वजों के समय में जनता का प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य और अपने उत्तरदायित्व दोनों को समझता होगा। अच्छा, मंत्रीगण हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो रावण जैसे महापापी के घर में 10 महीने रहकर आई और हमारे राजा राम न केवल उसे अपने घर में रखा बल्कि अपने साथ सिंहासन पर भी बिठा लिया। अरे क्या आवश्यकता थी इसकी? क्या किया राजा राम ने? अरे कुछ तो सोचा होता। सबसे बड़ा भय ये है कि अब धीरे धीरे समाज में दुराचार की प्रथा फैल जाएगी और राजा के गृहस्थ जीवन का प्रभाव तो सारे समाज पर पड़ेगा ही। अरे भैया, आज तो एक गांव में हुआ है, कल नगर में भी यही दुराचार फैल जाएगा और सब लोग रानी का उदाहरण देंगे। उस परिस्थिति में राजा क्या करता? उस स्त्री का त्याग।
मर्यादाओं की बेड़ी वचनों के भीषण ताले पुरखों के सम्मुख तूने स्वयमेव स्वयं पर डाले रघुकुल के संचित यश का अब तू ही उत्तरदायी उस राह तुझे भी चलना पुरखों ने जो राह बनाई अपने आराधक आगे शिव जी की तरह तुझको भी जीवन विष पीना होगा इन विषम परिस्थितियों से लड़ लड़ कर जीना होगा मंगल भवन अमंगल सुदशरथ अजिर बिहारी सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए की प्यास बुझत न बुझ